ओके बच्चों, आज हम लोगों का शायद रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 है और दो लेक्चर इसके हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको रिवाइज करके आए होंगे। कल मंगलवार को आपने जब ये वीडियो देखा होगा, लेक्चर 2 देखा होगा, तो उसका SW आपने किया होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नोट्स हम लोगों को रिवाइज करने थे और रेडॉक्स रिएक्शन की सीट से क्वेश्चन लगाने थे 1, 2, 30। ठीक है, ये SW आपका कल का था। आइए बेटा देखिए, आज का SW क्या है समझ लेंगे सब लोग। आज का SW है, देखिए बेटा, पहला काम तो बेटा आप लोग ये करेंगे आज के SW में, आप कन्फर्मेशनल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को दोबारा रिवाइज कर चुके हैं नोट्स। अब आप लोग क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन लगा लेंगे 1, 2, 25। 25 सवाल आप ये लगा लेंगे, या आप ऐसा कर सकते हैं 20 सवाल कर सकते हैं, बहुत है 20 सवाल। क्यों 20 सवाल बहुत है, क्योंकि आज आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन की सीट सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1 पूरी। तो आज आपके पास सवाल लगाने के लिए अच्छा काम होगा, या एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको अभी हटा सकते हैं, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की पूरी सीट सॉल्व कर ले, सीट पूरी। ठीक है, तो आपको यहीं पर काफी काम हो गया, लगभग मेरे ख्याल से 100 सवाल तो होंगे ही लगभग, तो 100 क्वेश्चन लगाने में पर्याप्त समय लग जाएगा आपको, फिर फिजिक्स भी पढ़नी होती है तो इतना समय पर्याप्त है। ठीक है, पीछे का SW हम लोग कल से अपना चालू कर देंगे, राइट। अच्छा देखिए, ये SW तो मैं उनके हिसाब से दे रहा हूं जो ऑनलाइन में लगातार शुरू से पढ़ रहे हैं, जो न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है, केमिस्ट्री को ज्वाइन किया है, देखिए उन बच्चों को ये समझना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा 2 मिनट दे रहा हूं और ये 2 मिनट में हर क्लास में दूंगा। न्यू स्टूडेंट ये चीज समझ लें कि अभी तक मोल हो चुका है, पीरियोडिक टेबल हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया है, IUPAC हो गया है, आइसोमेरिज्म हो गया है और रिडॉक्स रिएक्शन अभी खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो वो बच्चे ये समझ लें कि देखिए, ये काम तो मैं उन बच्चों के हिसाब से देता हूं जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं शुरू से। अब अगर आप लोगों के आपने नया ज्वाइन किया है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो देखिए बेटा, अब आपका मोरल ड्यूटी है, चूंकि आप मेरे सामने नहीं है तो मैं एक हर बच्चे को देख के उसको अलग काम देता हूं ऑफलाइन में। अब ऑनलाइन में आप मेरे सामने है ही नहीं, इसलिए बेटा ये आपका मोरल ड्यूटी है कि आप धीरे धीरे इन पीछे के चैप्टरों को रिवाइज करें। आज जैसे तारीख जो है वो 11 तारीख है, मैं चाहूंगा कि दीपावली तक 14 तारीख तक आप मोल को खत्म कर लें। 14 नवंबर तक जो न्यूली स्टूडेंट है वो मोल को खत्म करने, इसमें 8-9 लेक्चर्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। जितना लेट आप ज्वाइन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके ऊपर उतना लोड पड़ेगा। तो देखिए बेटा, जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको पीछे से 14 नवंबर तक मोल को खत्म करना है और 14 नवंबर के बाद हम दूसरे चैप्टर्स को देंगे। आपको एक टारगेट दे दिया है 14 नवंबर तक, आपके पास आज 11 तारीख, 12, 13, 14, 4 दिन आपको मिलेंगे, आपको मोल को खत्म करना है एलोंग विद जो करंट टॉपिक चल रहा है। आप पे लोड तो पड़ेगा ही, जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतना लोड पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आज रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा, घर पर जाएंगे उसकी पूरी सीट सॉल्व करेंगे और वीडियो सॉल्यूशन ऐप पे पड़े हैं, वीडियो सॉल्यूशन ऐप पर पड़ा है, आप उससे अपने डाउट क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जो स्टूडेंट आए हैं न्यू, बच्चों को क्या करना है, एक टारगेट आपको दे दिया है 14 नवंबर तक मोड खत्म कर लीजिएगा, और पुराने बच्चों को समझ में आ चुका है क्या करना है आज का काम। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। आइए बेटा देखिए, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया था, कुछ स्पेशल केसेस भी मैंने आपको कराए थे कैसे उसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालकर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। हम लोगों ने फ्यू पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट पढ़े, पहला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सोन बाई एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोगों ने डील किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताए। इसके बाद हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा मैक्सिमम स्टेट क्या होती है, मिनिमम स्टेट क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परऑक्साइड केस पढ़े, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के केस पढ़े, मेटल परऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराओगे H2O2 बनेगा ये पढ़ा, और पर ऑक्सो एसिड की हाइड्रोलिसिस कराने पर वो एक एसिड में बदल जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने 10 पॉइंट पढ़े, कितने पॉइंट, 10। आज हम लोगों के सामने है पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 आज हमारे सामने है, और पॉइंट नंबर 11 बेटा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंस। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर इज ए चार्ज प्रेजेंट ओवर वन एटम, इतने दो क्लासों से लगातार यही तो पढ़ रहे हो, एक एटम पे जो चार्ज होता है हम उसे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और आप ये भी देख चुके हैं कि चार्ज इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव जीरो और फ्रैक्शनल। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब बात करते हैं वैलेंसी। देखिए बेटा वैलेंसी तो वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूं, तो आपको मालूम है वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम जितने लोगों से कंबाइन कर सकता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये मैंने मोटी मोटी डेफिनेशन बताई है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ही चुके हैं हमसे कि कोवैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। एक एटम जितने लोगों से कंबाइन होता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, और आपको यह भी मालूम है कि इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, ये कभी दशमलव में नहीं हो सकती, कभी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा ये होल नंबर होता है। समझाने के लिए मैं बैल बुद्धि में ऐसे समझा देता हूं, जैसे मेरे दो हाथ हैं, मैं दो लोगों को पकड़ सकता हूं तो मेरी वैलेंसी कितनी हो गई, दो। ब्रह्मा जी के चार हाथ हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी के चार हाथ हैं, चार लोगों को पकड़ सकते हैं, उनकी वैलेंसी क्या हो गई, चार।
तो वैलेंसी सिंपल ए कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड यूजली इट इज ए होल नंबर, यूजली क्या ऑलवेज। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला, समझा मैंने मेरी, जैसे मैंने बोला CH4 CH2Cl2 और CCl4। अगर ध्यान से आप देखें तो CH4 में कार्बन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे -4 आएगा, H+1 -4, यहां पे निकालेंगे 0 आएगा, यहां पे निकालेंगे +4 आएगा। तो देखिए कार्बन का अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ रहा, लेकिन अगर वैलेंसी की बात करें तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। वैलेंसी आप अगर ध्यान से देखें तो तीनों में कितनी है, 4 4 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 जो होता है मे बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यहां पर भी कार्बन 4 लोगों से जुड़ा है, यहां पर भी कार्बन 4 लोगों से जुड़ा है और यहां पर भी कार्बन 4 लोगों से जुड़ा, तो वैलेंसी कितनी है, 4 4 4। आइए इस चीज को और देखते हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको और समझाते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया S8, ठीक, देखना बेटा अगर मैं बात करूं इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, फ्री स्टेट है 0, लेकिन सवाल आए इसकी वैलेंसी क्या। तो वैलेंसी पता करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और ये जो S8 होता है बेटा ये ध्यान रखिएगा ये डबल W शेप होता है और इसके हर कॉर्नर पर ओ ये गड़बड़ है। ओके, क्या किया जाए, इसका कोई तरीका, आइए ये डबल W शेप होता है, ये थोड़ा सा जस्ट मिनट बेटा, इरेजर नहीं आ रही है, ब्लीड मार देगा ये, सॉरी बैक करना है, ये क्या हो गया भाई। ओके ओके, इरेजर तो दिखाई नहीं पड़ रही है, इसमें नया बोर्ड है, चलिए दोबारा बता देते हैं। तो S8 ऑक्सीजन नंबर बेटा क्या है, 0। बात करें बेटा वैलेंसी क्या होगी, तो अपन ने इसका स्ट्रक्चर बनाया और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, सल्फर, तो यहां पर भी सल्फर होगा, यहां पर भी सल्फर, सल्फर 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 और सल्फर, तो हर एक कॉर्नर में बेटा क्या होगा, सल्फर होगा। अब कहीं से भी देख लो, एक सल्फर कितने सल्फर से जुड़ा है, 2 सल्फर से, एक सल्फर कितने सल्फर से जुड़ा है, 2 सल्फर से, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। कोवैलेंसी कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन नंबर बेटा क्या है, 0, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लो, P4, यहां पर फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0, लेकिन अगर सवाल है इसका कोवेलेंसी कितना होगा, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्क्वायर बनाओ और स्क्वायर को 20 से काट दो और हर कॉर्नर पर फास्फोरस, एम आई, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, लेकिन अगर मैं कोवेलेंसी की बात करूं तो प्रत्येक फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ा है, देखिए 1 2 3, इसको देखो 1 2 3, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज चार्ज प्रेजेंट ओवर वन एटम, एंड व्हाट इज वैलेंसी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एटम जितने लोगों से कंबाइन होता है वही उसका कोवेलेंसी कहलाता है। ओके चलिए अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ध्यान सब लोग देखेंगे।
मैं इसको हटाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है? देखिए देखिए बेटा, मैं आपको अब सीधे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पर ले जाना चाहता हूं। बैलेंसिंग पर जाने से पहले आप लोगों को मैं एनसीईआरटी की एक बात और बताना चाहूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव पॉइंट। एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव पॉइंट में जैसे पहला पॉइंट हम बताना चाहेंगे आपको स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, स्टॉक नोटेशन हमसे कहता है कि भाई किसी मॉलिक्यूल में आपने किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, हम लोग यूजली वो ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख देते हैं। स्टॉक नोटेशन कहता है कि आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसी के बगल में लिखिए ब्रैकेट लगाकर इन रोमन, बेटा लोग उसमें रोमन में। जैसे मैंने आपको दिया मान लो SbCl5, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? +5 आया। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक रोटेशन कहता है आप इसके ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। दिस इज स्टॉक रोटेशन। फॉर एग्जांपल HaUCl4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3। एक्स मानकर निकालोगे तो स्टॉक रोटेशन आपसे कहता है कि आप इसको ऐसे लिख दो, ये ओके। दिस इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन, राइट? नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव पॉइंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये पॉइंट मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया, मुझे ये पॉइंट कभी अच्छा नहीं लगता था। एनसीईआरटी में पूरे 2 पेज लिखे हैं इसके ऊपर, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नीट 2021 में आने वाला है। नीट 2021 में पता नहीं ऐसा फीलिंग आ रही है, ये सवाल आ सकता है, मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तो आप पढ़ा ही चुके हो, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हां पढ़ा चुका हूं। एनसीईआरटी ने रिडॉक्स रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया है। इन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन को 2 तरीके से क्लासिफाई किया है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आइए हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या है? देखिए सबसे पहली बात देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो सबके सब रिडॉक्स तो होने ही चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होने ही चाहिए। कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दो लोग आपस में कंबाइन करेंगे, हाँ सुनना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर जेड। अब मेरी बात समझना, हम लोग किसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब बोलेंगे जब, समझना, एक्स और वाई में या तो दोनों फ्री स्टेट में हो या फिर दोनों में से कोई एक फ्री स्टेट में हो, तब उन रिडॉक्स रिएक्शनों को हम कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो सबसे मेन पॉइंट इसमें यही है, आप इसी के नीचे लिखेंगे, आप इसके नीचे लिखिए आइदर बोथ एक्स एंड वाई और
एनी वन मस्ट बी आइदर बोथ एक्स एंड वाई और एनी वन मस्ट बी इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट. फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट. या तो दोनों के दोनों एक्स और वाई फ्री स्टेट में हो या दोनों में से कोई एक फ्री स्टेट में होना चाहिए. ठीक है, जैसे जैसे प्लीज सामने देखेंगे. जैसे मैंने बोला एन टू प्लस ओ टू बराबर एन. सबसे पहले आप ये देखिए क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है. जीरो से जा रहा है प्लस टू, ऑक्सीडेशन हुआ. जीरो से जा रहा है माइनस टू, रिडक्शन हुआ. हां ये रेडॉक्स रिएक्शन है. अब हमें पता करना था ये कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है. देखो दोनों के दोनों फ्री स्टेट में है, ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, जैसे मैंने ये बोला CH4 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस वाटर, ये दिया. सबसे पहले सवाल ये है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है. आप देख सकते हैं कार्बन माइनस फोर से जा रहा है प्लस फोर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन जीरो से जा रहा है माइनस टू, रिडक्शन हो रहा है. हां ये रेडॉक्स रिएक्शन है. अब ये कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे पता करेंगे. एक्स और वाई में से अब की बार दोनों तो फ्री स्टेट में नहीं है लेकिन एक आदमी फ्री स्टेट में है. हां हम इसे भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देते हैं. एन टू प्लस थ्री एस टू बराबर ट्वाइस एन एस थ्री. सबसे पहले ये देखिए क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है. हां ये रेडॉक्स रिएक्शन है. नाइट्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब ये कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है. बोथ आर इन फ्री स्टेट. हां ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, तो इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल हमने आपको समझाया कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. ओके सुनना बेटा, जब भी बड़ा ये पॉइंट हम पढ़ाएंगे आपको तो एनसीईआरटी में इसी के नीचे एक पॉइंट और भी लिखा है जो आप खुद समझ सकते हैं. सुनना बेटा, ऐसी रिएक्शनें जिनमें रिएक्टेंट में ओ टू हो तो ऐसी रिएक्शनें कहलाती हैं कंबशन रिएक्शन. बेटा बोलो क्या कहलाती है. कंबशन रिएक्शन. दिस इज कंबशन ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज कंबशन ऑफ मीथेन. तो सोचो ना जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगी उसमें O2 के कारण एटलीस्ट एक आदमी फ्री स्टेट में जरूर होगा. और अगर एक आदमी फ्री स्टेट में है तो हम ऐसी रिडॉक्स रिएक्शनों को कंबिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं. तो क्या मैं यहां पर नीचे एक पॉइंट ये नहीं लिख सकता, क्या मैं यहां पर नीचे एक पॉइंट ये नहीं लिख सकता कि कंबशन रिएक्शन आर कंबिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन आर कंबिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन.
हाँ मैं बिल्कुल ये बात बोल सकता हूं। ओके तो पहली रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी, कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों लोग या तो एलिमेंट्री हो या एटलीस्ट एक आदमी एलिमेंट्री हो, इन्हें कहते हैं कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके हटा दें। अगला मेरा पॉइंट है दूसरा, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एक बात सुन लीजिए, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जाने पर रिडॉक्स है तो बैकवर्ड भी वो गारंटी है रिडॉक्स होगी ही होगी। ठीक, अब सुनना, अगर कोई बैकवर्ड में कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन दिखाई पड़े तो फॉरवर्ड में वो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। जैसे जैसे H2O है, टूट के H2 और O2 बना रहा है। वैसे तो समझ में आ रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, +1 से जा रहा जीरो रिडक्शन हुआ, -2 से जा रहा जीरो ऑक्सीडेशन हुआ, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है। अब ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो समझ में आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल टूटकर दो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल दे रहा है, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। कभी समझने में प्रॉब्लम हो रिवर्स देख लिया करो, दो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो रिवर्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, देन फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन। ओके KClO3, KCl प्लस O2, आप देखिए +1 हटाओ बेकार है, -2, 3 × 6 में से 1 गया +5, +1 बेकार, -1 0। ध्यान से अगर बेटा आप लोग देखें तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब कौन सी है समझो, एक मॉलिक्यूल टूटकर दो मॉलिक्यूल दे रहा है जिसमें से एक मॉलिक्यूल एलिमेंट्री है, हाँ ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, आप इसको ऐसे भी समझो, रिवर्स डायरेक्शन में देखो, एक्स और वाई कंबाइन करके जेड बना रही हैं और दोनों में से एक एलिमेंट्री है, तो इफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन देन फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन। ओके तो ये दोनों रिएक्शन बेटा एग्जाम्पल हो गए हैं, ये दोनों रिएक्शन बेटा एग्जाम्पल हो गए हैं डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का। ओके बेटा बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई दूसरा पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे पॉइंट पे। चलिए HW देते हैं, एक HW देते हैं, HW घर से बताइएगा ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है घर से बताइएगा ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, HW है। ठीक है चलिए हम तीसरा और लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरा बेटा है
displacement redox reaction. देखिए displacement redox reaction ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल. देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है किसी चीज को विस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना. फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में ये पेन रखा हुआ था, ठीक है भैया, एक दूसरी चीज आई मोबाइल, उसने उसको टक्कर मार के बाहर फेंक दिया और खुद लग गया. मतलब इस मोबाइल ने उस पेन को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन. एक आदमी आया, उसने किसी मॉलिक्यूल के अंदर से किसी एक चीज को हटाया और खुद आकर उसकी जगह पर लग गया. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, देखिए देखिए हम इसको ऐसे समझें, कोई एक्स था, उसने किसी वाई जेड किसी कंपाउंड से रिएक्शन किया और वाई को डिस्प्लेस कर दिया. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, समझा मैंने मेरी बात. देखिए डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन में एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो इसको डिस्प्लेस करने आ रहा है मैं और मे नॉट इन फ्री स्टेट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट इन फ्री स्टेट. ये फ्री स्टेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु वाई मस्ट बी इन फ्री स्टेट, बोले तो एलिमेंट्री स्टेट. ये ध्यान रखिए. ओके बेटा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया जिंक प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu. सबसे पहले आप ये देखिए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन और +2 से 0 रिडक्शन. हां ये रिडॉक्स रिएक्शन है. कौन सी है, तो देखिए कोई एक्स आया जिसने किसी कंपाउंड वाई जेड से किसी वाई को डिस्प्लेस कर दिया. आप देखिए ये फ्री स्टेट में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ्री स्टेट में होना चाहिए. हां ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल एग्जांपल और लेते हैं बड़ा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो. मान लो मैंने अब ये ले लिया जिंक प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2. मैंने आपसे पूछा इसे क्या कहोगे, तो सबसे पहले ये देखो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हाँ भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है. जिंक का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है. अब ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ध्यान से देखिए एक एक्स आया जिसने किसी कंपाउंड से वाई को डिस्प्लेस कर दिया. ये किसी भी स्टेट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखिए फ्री स्टेट में होना चाहिए. हां ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है. ओके, समझिएगा मेरी बात. डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दो प्रकार की लिखी है. क्या, सुनो, ये जो डिस्प्लेस होके फ्री स्टेट में मिल रहा है, अगर ये मेटल हो फर्स्ट एग्जाम्पल, तो उसे कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, और अगर वो नॉन मेटल हो सेकेंड रिएक्शन, तो उसे कहेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं.
आपने अगर लिख लिया हो तो। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे देखिए बेटा, मैंने बेटा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए ये NaH प्लस H2O बराबर NaOH प्लस H2। अगर आप लोग ध्यान से देखें क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप देखें हाइड्राइड में माइनस वन होगा, यहां पे भाई प्लस वन होगा, प्लस वन माइनस टू माइनस प्लस वन जीरो। आप देखिए सोडियम पे कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन पे कोई चेंज नहीं, लेकिन हाइड्रोजन माइनस वन से जीरो में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे हाइड्रोजन प्लस वन से जीरो में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हां ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। अब सवाल ये है कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए सब लोग, एक एक्स आया जनाब, एलिमेंट्री नहीं है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर से एक चीज को डिस्प्लेस कर दिया, और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो फ्री स्टेट में है। हां ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके बेटा, तो इस प्रकार से तीन एग्जांपल मैंने आपको बताए डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो तीन प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। ओके चलिए, जब ये सब चीज खत्म हो गई, एनसीईआरटी का पॉइंट खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। हटा रहे हैं इसको, आइए सभी लोग देखेंगे बेटा। तो हमारे स्टूडेंट ने आज सबसे पहले एनसीईआरटी के दो पॉइंट पढ़े, स्टॉक नोटेशन देखा और रिडॉक्स रिएक्शन तीन प्रकार की देखी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस भी पढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का चार्ज है, जबकि वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा एक होल नंबर ही होती है। ठीक, अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझिएगा। देखिए एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो रास्ते लिखे हुए हैं। एक रास्ता लिखा हुआ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू बैलेंस आयनिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें आयन्स उपस्थित हो, चाहे सारे आयन्स हो चाहे कोई एक आयन हो, उन्हें हम कहते हैं आयनिक रिएक्शन, जिनको बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। और दूसरा बेटा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और इस मेथड से हम बैलेंस करते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
मॉलिकुलर रिएक्शन हम लोग उनको कहते हैं जिनमें सारे के सारे मॉलिकुलर फॉर्म में हो, एक भी आयन होना नहीं चाहिए। अगर आयन आ गया तो आयनिक रिएक्शन बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, मॉलिक्यूल आ गया मॉलिकुलर रिएक्शन बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन। मेरा कहना यह है आप दोनों में से कोई इस्तेमाल मत करिए। कोई भी रिएक्शन आ जाए आप पोरवाल ट्रिक लगाएंगे एस रॉक। एस रॉक, एस रॉक या सॉलिड रॉक, रॉक की स्पेलिंग में के होगा, हमने एच बना दिया है। एक्चुअली बेटा ये पांच स्टेप होते हैं, वन बाय वन आप इन स्टेप्स को करेंगे तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चाहे आयनिक रिएक्शन हो तो भी आप यही लगाएंगे, मॉलिकुलर रिएक्शन हो तो भी आप यही लगाएंगे, ठीक है। तो आइए क्यों ना मैं अपने छात्रों को इन पांचों स्टेपों को वन बाय वन समझाऊं। ना आपको आयनिक रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करना, ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं ये एस रॉक क्या होता है। देखिए हटाते इसको हटाते बेटा, एस रॉक देखिए, एस रॉक में हर चीज का एक मतलब है। जैसे एस का मतलब है सर्चिंग, एस का बेटा मतलब क्या होता है सर्चिंग, ध्यान देना बेटा। जिस रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है हम सबसे पहले उसमें सर्च करते हैं कि किस एलिमेंट का रिडक्शन और किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर्च दोज एलिमेंट whose oxidation number changes, उन एलिमेंट को सर्च करो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। बेटा एक एक स्टेप को मैं समझा रहा हूं और उसको अप्लाई करने के लिए एक एग्जाम्पल भी ले ले रहा हूं, इस पन्ने को मैं रब नहीं करूंगा, आप लिख लीजिए। सर्च दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, ये पहला स्टेप होगा। देखिए मैं पन्ना ले रहा हूं इसको रब नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया ये MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस H प्लस बराबर Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब देखिए सबसे पहला काम होगा उन एलिमेंट को सर्च करो। देखो बेटा प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, आप देख सकते हैं मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखिएगा आपने इस मैग्नीज को इसके साथ सर्च किया है और इस कार्बन को इसके साथ सर्च किया। तो सबसे पहला काम होता है उन एलिमेंट को सर्च करो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। Mn को सर्च किया और कार्बन को सर्च किया, आप बाद में लिख लीजिएगा, आप अभी देखिए। ओके सुनना, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू R, R को बेटा हम लोग कहते हैं required form,
रिक्वायर्ड फॉर्म का मतलब है जरूरत। इन पांचों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, हम लोग ऑप्शन को देखकर अपना आंसर मैच कर लेते हैं, इसलिए 90% केसों में बेटा आप इस स्टेप को करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है आर वाला, रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक, क्या है ये देखिए, इस रिक्वायर्ड फॉर्म में हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहला बड़ा काम होता है बैलेंस द सर्ज्ड एलिमेंट, बैलेंस द सर्ज्ड एलिमेंट। आपने फर्स्ट स्टेप में जिनको सर्च किया है आप उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, देखते हैं हम लोग रिएक्शन आ गई। आप देखिए बेटा, आपने MN को सर्च किया, एक MN, एक MN, मामला बैलेंस। आपने कार्बन को सर्च किया, वहां पे दो कार्बन, यहां पे एक कार्बन, हमने दो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहला काम आपने किया सर्चिंग, सर्चिंग के बाद दूसरा आपने काम किया बैलेंस द सर्च्ड एलिमेंट। अब हम लोग रिक्वायर्ड फॉर्म के दूसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं। देखिए बेटा, दूसरा बेटा स्टेप क्या होता है, साथ में लिखेंगे, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखो या निकालो, फिर उसे आपस में बैलेंस करो। देखिए, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालो, फिर उसे आपस में बैलेंस भी करो। देखिए, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखिए बेटा, अक्सर बच्चे ये काम करने में गलती कर देते हैं, तो जो वो गलती कर रहे हैं हमने उस गलती को हटा दिया, हमने टोटल चेंज निकालने का तरीका बना दिया। कि टोटल चेंज कैसे निकालेंगे, सिंपल चेंज मल्टीप्लाइड बाई आईसी मल्टीप्लाइड बाई ओसी, दैट्स इट। सिंपल चेंज मल्टीप्लाइड बाई आईसी मल्टीप्लाइड बाई ओसी क्या मतलब है, आइए हम यहीं पे आपको बताते हैं, लिखिएगा मत इसको समझाने के लिए, समझना। मान लो ये इसमें जा रहा है, समझना मेरी बात, यहां पे लिखा है 3, ठीक, समझना, ये +6 है, ये +3 है। आपको निकालना था टोटल चेंज। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल चेंज, सिंपल चेंज का मतलब होता है बड़ी से छोटे को घटा दो, 6 में 3 गया 3, सिंपल चेंज। मल्टीप्लाइड बाय आईसी, आईसी का मतलब है इनर कोफिशियंट और ओसी का मतलब है आउटर कोफिशियंट। तो सिंपल चेंज में आईसी और ओसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल चेंज आ गया 3 × 6 और 6 × 3 = 18। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, और देखते हैं, मैंने आपको दिया मान लो N2H4 कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइड, ये दिया मैंने, ठीक, -2 +3,
हमें इसके लिए निकालना था टोटल चेंज, क्या करेंगे सिंपल चेंज, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाइए। ध्यान रखिए यहां पर वन नहीं आएगा, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, दोनों जुड़ जाएंगे। सिंपल चेंज पांच, आईसी बोलो दो, और ओसी में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखने का मतलब है वन, तो टोटल चेंज आ गया पांच दूनी दस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल चेंज हम कैसे निकालते हैं, सिंपल चेंज निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय आईसी मल्टीप्लाइड बाय ओसी, यही मैंने आपको बताया। ओके, ध्यान रखना बेटा जब चार्ज सेम होते हैं तो चेंज निकालने पर सब्सट्रैक्शन होता है, और जब चार्ज अपोजिट होते हैं तो चेंज निकालने पर एडिशन होता है। पांच आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं था, बस समझाने के लिए मैंने आपको यह बताया था। ओके, देखिए आई हमने पहला काम किया सर्चिंग, ओके, रिक्वायर्ड फॉर्म में पहला काम किया सर्च एलिमेंट को बैलेंस, ओके। अब रिक्वायर्ड फॉर्म का दूसरा काम करने जा रहे हैं, टोटल चेंज निकालो और उसे आपस में बैलेंस भी करो। देखिए मैं आपको वापस लेके आ रहा हूं, ये स्टेप समझ लीजिएगा अपना ध्यान से। देखिए टोटल चेंज निकाला, देखना प्लस सेवन से प्लस टू, सिंपल चेंज हुआ पांच का, मन में करना पांच, आईसी भी वन ओसी भी वन, तो फाइव इंटू वन इंटू वन, टोटल चेंज कितने का आया फाइव का, तो यहां पर टोटल चेंज आया फाइव का। आप सोच रहे होंगे ये नीचे की तरफ एरो क्यों लगा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, इसलिए डिक्रीज लगाया, डिक्रीज। ओके, यहां पर देखिए प्लस थ्री से प्लस फोर, सिंपल चेंज बोलो वन इंटू आईसी दो इंटू ओसी वन, तो एक दूनी दो और दो एकम दो, तो यहां पर टोटल चेंज आया दो का, ठीक है। टोटल चेंज निकालो, अब उसे आपस में बैलेंस भी करो, समझो यहां पांच का चेंज है यहां का दो का, हमें इन्हें बैलेंस करना था तो हमने दो का मल्टीप्लाई यहां कर दिया और पांच का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। सुना बेटा, बैलेंस करने के लिए जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पांच यहां भी आ गया, पांच यहां भी आएगा, दो पहले से था, पांच दूनी दस, ये दो यहां भी आएगा, ये दो यहां भी आएगा। तो टोटल चेंज को बैलेंस करने के लिए हम जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वही फैक्टर दोनों तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा प्लीज, जब दोनों को आपस में हम बैलेंस कर देते हैं तो पांच दूनी दस, दो पंचे दस, आप जानते हैं ये जो नंबर निकल कर आता है ये वो नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए इस रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कहेंगे दस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया होगा। तो सवाल यही उठ रहा है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बेटा, तो ये देखिए रिक्वायर्ड फॉर्म आपने देखा, सबसे पहला काम था सर्चिंग, आपने सर्च कर लिया, फिर रिक्वायर्ड फॉर्म का पहला स्टेप था बैलेंस द सर्च एलिमेंट, वो कर लिया, फिर दूसरा स्टेप था टोटल चेंज निकालो,
फिर उसे आपस में बैलेंस भी करो। बैलेंस करने के लिए जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, दो काम हो गए। मतलब मेरी बात सुन, रिक्वायर्ड फॉर्म करने के बाद 90% केसों में आंसर आ जाता है। काकादेव में बहुत से अध्यापक तो ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं ये है मेरी ट्रिक, वो रिक्वायर्ड फॉर्म को ही ट्रिक का नाम दे देते हैं और कहते हैं इतना कर लिया करो काम हो जाएगा। हो जाएगा 90%, नो डाउट काम हो जाएगा। क्यों काम हो जाएगा जरा वो भी देख लो। हमारा ये अजीब है यार, हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए पेपर कैसे आता है, सुनिएगा। पेपर वाले इसके आगे लिख देंगे एक्स, इसके आगे लिख देंगे वाई, आप मत लिखेगा, और इसके आगे लिख देंगे जेड, और आपसे कहेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। पहला ऑप्शन 1, 5, 10, दूसरा ऑप्शन 2, 7, 14, तीसरा ऑप्शन 2, 5, 16, और चौथा ऑप्शन 7, 2, 10। ये दिया, अब देख रहे बेटा एक्स की वैल्यू दो गारंटी से होगी तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक। और वाई की वैल्यू गारंटी से 5 होगी तो ये गलत हो गया। आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा सी, सो दिस इज योर राइट आंसर। तो चूंकि बेटा हम लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो रिक्वायर्ड फॉर्म करने के बाद आप एक बार आंसर को मैच कर लिया करो, हो सकता है आपको आगे के काम करने ही ना पड़े, 90% नहीं करने पड़ते। लेकिन मान लो यहां पर भी 5 लिखा होता तो आपको जेड को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती, मतलब आपको आगे जाने की जरूरत पड़ती। ओके, तो इसलिए बहुत से अध्यापक रिक्वायर्ड फॉर्म को ही बता देते हैं ट्रिक, एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है, वो सेकंड स्टेप होता है। ओके बेटा, चलिए हम लोग वापस से रिक्वायर्ड फॉर्म के आगे जा रहे हैं। आइए, सर्चिंग हो गई, रिक्वायर्ड फॉर्म हो गया। ओ का बेटा मतलब होता है अदर, ओ का बेटा मतलब होता है अदर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस रिमेनिंग एलिमेंट। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक। क्या मतलब है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी लोगों को बैलेंस करो। आइए देखते हैं, देखते देखिए 2 Mn 2 Mn पहले बैलेंस कर चुके थे, ओ को बैलेंस करना नहीं है। 5 × 10 कार्बन 5 × 10 कार्बन बैलेंस है, ओ को बैलेंस करना नहीं, एच को बैलेंस करना नहीं। मतलब इस रिएक्शन में अदर वाले स्टेप में कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सब कुछ बैलेंस है। ओके, अच्छा अदर हो गया। सी का मतलब है चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को बैलेंस करो बाय एडिंग एच प्लस और OH माइनस। चार्ज को बैलेंस करो बाय एडिंग एच प्लस और OH माइनस। मतलब क्या है? अगर वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो हम एच प्लस को ऐड करके चार्ज को बैलेंस करेंगे, और अगर बेसिक मीडियम में है तो OH माइनस को ऐड करके हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। आइए चार्ज को बैलेंस करते हैं अपनी उसी रिएक्शन, ठीक है। देखो
ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को यह बता दूं, चार्ज का मतलब ये चार्ज होते हैं जो रियल चार्ज होते हैं। ये जो चार्ज आपको दिखाई पड़ रहा है ये तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला है जो रियल नहीं होता है। हम लोग एक्स मान के निकालते हैं, रियल चार्ज होते हैं ये, हमें इनको बैलेंस करना है। ठीक है, देखिए एक बार, एक MnO4 पे माइनस वन तो दो MnO4 पे माइनस दो, एक C2O4 पे माइनस दो तो पांच पर माइनस तक। सुंदर है ना, जब भी हम चार्ज को बैलेंस करते हैं तो H+ या OH- को जोड़ के करते हैं, इसलिए इनके चार्जों को मत देखा करो। तो बराबर के लेफ्ट साइड पर चार्ज आ गया माइनस टू, यहां पर आई, एक Mn पे प्लस टू, दो Mn पे प्लस फोर, ये न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है। राइट साइड पे चार्ज है प्लस फोर। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, दोनों तरफ के चार्जों में जितने का डिफरेंस हुआ करे तुम उतने ही H प्लस या उतने ही OH माइनस जोड़ दिया करो। जैसे माइनस के 12 और प्लस के 16 में, चार में 16 का डिफरेंस है, तो आप क्या करिए, चुपचाप 16 H प्लस आप ऐड कर दीजिए, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। नहीं विश्वास है देख लो, माइनस के 12 में प्लस का 16 करोगे तो प्लस का 4 बचेगा, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। ओके बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ के चार्ज में जो डिफरेंस हो, डिफरेंस के बराबर आप H प्लस या OH माइनस को ऐड कर दिया करो। ओके, चले आगे आते, चार्ज बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप H, H का बेटा मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। वाटर ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करो, वाटर ऐड करके। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। एक भी H नहीं, एक भी H नहीं, 16 H है लेफ्ट साइड पर, एक भी H नहीं, एक भी H नहीं, यहां क्या कर दें, 8, 8 दूनी 16, दोनों तरफ के H क्या हो गए, बैलेंस। ठीक, सुनना बेटा, अगर आपने S रॉक के सारे स्टेप सही किए हैं तो गारंटी है आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। फिर भी बच्चों के मन में एक डर होता है, हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सुनो, चेकिंग स्टेप, क्या तुमने इनमें से किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस किया, नहीं किया, लेकिन रिएक्शन अगर बैलेंस है तो ऑक्सीजन भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस। देखिए, चार दूनी 8, पांच चौको 20, 20 और 8 28 ऑक्सीजन, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 8 28 ऑक्सीजन। यस, अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस आ रही है तो ये रिएक्शन भी सरतिया बैलेंस होगी। दिस इज द राइट आंसर। ओके, आप इसको पॉज करिए, यहां पर आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, जिसमें 2 मिनट में आप टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को रिवाइज करेंगे और 3 मिनट में आप इस पूरे को अच्छे से रिवाइज करेंगे, हर एक स्टेप पढ़ेंगे और उसको इसमें सोचेंगे। राइट,
ओके, आई होप आपने 5-7 मिनट वीडियो को पॉज किया होगा। ये फायदा मिल जाता है ऑनलाइन में कि समय कम में ही आपका काम पूरा हो जाता है, क्योंकि आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में आपको बता देता हूं कि अब आपको वीडियो को पॉज करना। आपने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ लिया होगा और सबसे ज्यादा समय आपने दिया होगा बैलेंसिंग में। ध्यान रखना बेटा, बैलेंसिंग बहुत आसान है, जरूरत है। मैं जो एग्जाम्पल करा रहा हूं इसको 2-3 बार घर पर अपने मन से करिएगा। और ध्यान रखना, एक एक स्टेप मन में सोचते जाना, अप्लाई करते जाना। एक एक स्टेप मन में सोचते जाना, अप्लाई करते जाना। ध्यान रखना, ये सारे स्टेप सिक्वेंसली करने पड़ेंगे। तो जब भी कोई रिएक्शन आपके सामने आया करे, किनारे पे जाके लिख लिया करो एस रॉ। एक एक स्टेप पढ़ते गए मन में और उसको करते गए, एक एक स्टेप सोचते गए उसको करते गए, अपने आप बैलेंस हो जाए। और सबसे अच्छी बात, इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा, कि इसको करने का मतलब है आपका आंसर आ गया। ओके, आइए एक एग्जांपल और करते हैं। इसको मैं हटाने जा रहा हूं, ठीक है। इस एग्जांपल को मेरे साथ लिखिए और फिर वीडियो को पॉज करके अपने मन से करिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आएगा। वीडियो को पॉज करके अपने मन से करिएगा। ओके, आइए देखिए, हमने किनारे पर क्या लिख लिया, एस रॉ। पहला काम है सर्चिंग, ऑफ कोर्स सब लोग समझ गए होंगे, क्रोमियम की चेंज हो रही है और आयरन की चेंज हो रही है। हम लोग उन एलिमेंट को सर्च करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। आप देखिए, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहला काम खत्म हो गया। रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, जिनको आपने सर्च किया है उनको बैलेंस करो। तुमने क्रोमियम को इस क्रोमियम से सर्च किया, यहां 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। और इस आयरन को इस आयरन के साथ सर्च किया, 1-1 बैलेंस है। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालो और उसे आपस में बैलेंस भी करो। देखो बेटा, टोटल चेंज कैसे निकालेंगे, सिंपल चेंज मल्टीप्लाइड बाय आईसी मल्टीप्लाइड बाय ओसी। आइए, +6 से +3 में जाना, सिंपल चेंज हुआ 3, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दिया करो, इनटू आईसी 2, 3 × 2 = 6, इनटू ओसी 1, 6 × 1 = 6, तो टोटल डिक्रीमेंट हुआ 6 का। यहां पे +2 से +3, 1 का चेंज, आईसी भी 1 ओसी भी 1, तो टोटल चेंज हुआ 1 का। अब बेटा हम लोग को क्या करना है, इनको आपस में बैलेंस करना है। तो हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 ये भी हो गया, 6 वो भी हो गया। जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। एम राइट? आपने ये वाला स्टेप भी कर लिया। नेक्स्ट, ओ अदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करो। 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम पहले बैलेंस कर चुके थे, ओ करना नहीं। 6 आयरन पहले बैलेंस कर चुके थे, H को करना नहीं, तो इस स्टेप को नहीं करना पड़ा। आगे आओ, चार्ज को बैलेंस करो, H+ या OH- जोड़कर, एसिडिक मीडियम है तो हम लोग H+ को जोड़ेंगे। आइए करते, Cr2O7 पर -2,
एक एफ ई पे प्लस टू तो छह एफ ई पे प्लस ट्वेल्व, इनके चार्जों को मत देखा करो। लेफ्ट साइड पे चार्ज आया प्लस टेन, यहां पर आओ, दो तिहाई छिहाई अठारह, राइट साइड पे चार्ज आया प्लस का चौबीस। दोनों चार्जेस में चौदह का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस हो उतने ही H प्लस या OH माइनस जोड़ दिया करो। आप देखिए इन दोनों में 14 का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस हो उतने ही H प्लस या OH माइनस जोड़ दिया करो। लास्ट स्टेप, हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर। 14 हाइड्रोजन है, आप यहां पे कर दीजिए 7। अगर आपने सारे स्टेप सही करे होंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस आएगी। 7 ऑक्सीजन है इस तरफ, 7 ऑक्सीजन है इस तरफ, आपकी रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आंसर आया होगा, बहुत से बच्चों के सही आंसर मैच करे होंगे। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, और इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये वाला। बच्चे या तो इसमें गलती करते हैं और या फिर इसमें गलती करते हैं, ठीक है? आराम से करेंगे, दो तीन बार इन रिएक्शनों को बैलेंस करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत होना, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है? चल, एक तीसरा एग्जांपल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके पहले उसे आप अपने मन से करेंगे फिर हमसे देखेंगे, ओके? चल हटाते इसको। ध्यान रखिएगा, बच्चे यहां पे गलती करते हैं, बच्चे इस चार्ज को देखने लगते हैं, ये तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर है, इमेजिनरी चार्ज है, रियल चार्ज तो ये होते हैं, ये रियल चार्ज, ये होते हैं रियल चार्ज, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। ओके बेटा, हटा दे बेटा इसको। चल अब हम लोग एक अगली रिएक्शन करेंगे, वीडियो को पॉज करके आपको करना है, चल वीडियो को पॉज करके आप करिएगा इसको, मैं करने जा रहा हूं और आंसर मैच करिएगा। सबसे पहले आपने किनारे पर क्या लिख लिया? एस रॉक। एक एक स्टेप करेंगे, बोलो सर्चिंग, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा उन्हें सर्च करना है, प्लस सिक्स प्लस फोर क्या हुआ? रिडक्शन, माइनस वन जीरो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ठीक है? पहला काम खत्म। दूसरा काम रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म का पहला काम होता है जिनको सर्च किया है उनके एटमों को बैलेंस करो। एक सल्फर बैलेंस है, एक आई दो आई, आपने यहां दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बैलेंस हो गया। दूसरा काम टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालो फिर उसे बैलेंस भी करो। और टोटल चेंज कैसे निकालते हैं? सिंपल चेंज मल्टीप्लाइड बाय आईसी मल्टीप्लाइड बाय ओसी। देखिए 6 से 4 में जा रहा, सिंपल चेंज हुआ 2 का, मल्टीप्लाइड बाय आईसी 1 मल्टीप्लाइड बाय ओसी 1, तो 2 का ही चेंज होगा। माइनस वन से जीरो, सिंपल चेंज हुआ 1 का, आईसी 1 है ओसी 2 है, तो टोटल चेंज होगा 2 का। आप लोग ध्यान से देखें, ये दोनों जो टोटल चेंज हो रहे हैं ये आपस में ऑलरेडी बैलेंस है, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये काम भी होगी। ओ अदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर
दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करो, इसको करना नहीं, एक एस, एक एस पहले ही हो चुका, ओ को करना नहीं, एक्स को करना नहीं, दो आई बैलेंस हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट, चार्ज को बैलेंस करो। आप देख रहे हैं ये पूरी रिएक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यहां पर कोई आयन ही नहीं है, और जब आयन ही नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, इस स्टेप को करने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट, एच को बैलेंस करो पानी जोड़कर। देखिए, दो और दो चार एच है लेफ्ट साइड में, बैलेंस करने के लिए आप दो वाटर ऐड कर। अगर आपने सारे स्टेप सही करे होंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस आएगी। आप देखिए, चार ऑक्सीजन, दो और दो चार ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। ओके बेटा, इस प्रकार से आप लोगों ने यह काम भी कर लिया। चलिए हम लोग एक स्टेप अब आगे जाएंगे। आपको मैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? आपको मैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप उसको करेंगे, हटाते हैं इसको, ठीक है? एक एनसीईआरटी का एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपकी नीट का क्वेश्चन, इसके पहले जो दो सवाल कराए थे वो भी नीट के थे। आइए, अगला सवाल फ्रॉम एनसीईआरटी, बैलेंस करिए। N2H4 प्लस CLO3 माइनस बराबर NO प्लस Cl माइनस प्लस वॉट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। जस्ट अ मिनट, वीडियो पॉज करने से पहले सुन लीजिए। अक्सर जब मैंने क्लास में सवाल दिया तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, हमें कैसे पता चलेगा ये एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसको पता करने के दो तरीके। एक तरीका तो यही है कि H प्लस या OH में लिखा होता है, और दूसरा तरीका बेटा ये है, आप ध्यान से अगर देखें, अगर आप ध्यान से बेटा देखें, CLO3 माइनस, अगर इसमें हम H प्लस लगाएं तो ये बन जाएगा HClO3, जिसका नेचर क्या होता है, एसिड। तो ये अंडर स्टूड है बेटा कि इसका मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम ही होगा। अब मान लो कहीं पर नाइट्रेट आयन हो, तो अगर इसमें H प्लस लगाएंगे तो ये HNO3 में बदल जाएगा, तो मीडियम क्या होगा, एसिडिक ही होगा। ओके, तो इसलिए इसका मीडियम आप एसिडिक ही मानेंगे, क्योंकि CLO3 माइनस है जो एसिडिक होगा H लगाने के बाद। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको करिए। ठीक है, देखिए आपने पॉज करके किया होगा। आइए मैच करते हैं कितने बच्चों के सही हुए। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या किया हमने, किनारे पर एस रॉक लिख दिया, -2 +5 +2 -1। ठीक है, सर्च करेंगे -2 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा, +5 से -1 रिडक्शन हो रहा। आपने पहला काम ओके कर लिया। रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म का पहला स्टेप होता है जिनको सर्च किया है उनको बैलेंस करो। दो नाइट्रोजन है, आपने यहां दो कर दिया, एक क्लोरीन पहले से बैलेंस है। दूसरा काम बेटा इसका होता है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालो और उसे आपस में बैलेंस करो। देखिए, -2 से +2, 0 का चेंज नहीं होगा, 4 का चेंज होगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए। साइन सेम होते हैं तो वास्तव में सब्स्ट्रैक्शन होता है, और साइन डिफरेंट होते हैं तो एक्चुअली में एडिशन होता है। तो यहां पर 4 का डिफरेंस है, सिंपल चेंज 4, आईसी बोलो 2, ओसी बोलो 1, तो टोटल चेंज आ गया 4 दूनी 8। यहां
प्लस फाइव से माइनस वन, छह का चेंज हुआ, आईसी वन ओसी वन, तो टोटल चेंज हुआ छह का। ठीक है, अच्छा देखा बेटा, समझो टोटल चेंज के बाद अब हमें इनको आपस में क्या करना, बैलेंस। यहां पे सुन लिएगा, ध्यान दो सब लोग। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सही करते हैं, गलत नहीं है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, छह का मल्टीप्लाई यहां कर दिया और आठ का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। ठीक, सही है। एट सिक्स जा 48, सिक्स एट जा 48, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपसे यहां पे कहना चाहेंगे बेटा, हम लोग जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि इनके ये जो बैलेंसिंग कोफिशियंट है वो छोटे से छोटे हो। बेटा बोलो क्या हो, छोटे से छोटे। आपने बेटा यहां पे छह से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आठ से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन तब भी बैलेंस होगी, आंसर भी सही आएगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बैलेंसिंग कोफिशियंट छोटे से छोटे। इसलिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाओ ना बेटा, दिमाग लगाओ। अगर यहां पर हम तीन से मल्टीप्लाई कर दें और यहां पे हम चार से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो आठ तिहाई चौबीस और छह चौको चौबीस, तो भी तो बैलेंस हो गया। इसके पहले छह से और यहां पर आठ से करते, बैलेंस तब भी वो था, लेकिन कोफिशिएंट बड़े आते। यहां पर तीन से यहां पे चार से किया, तब भी बैलेंस है और कोफिशिएंट छोटे आएंगे। हेलो, हाँ हेलो, बताइए। अच्छा भाई साहब, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं अभी थोड़ा नहीं बता पाऊंगा, 10 मिनट बाद में बता पाऊंगा आपको। आप एक काम करिए, आप एक काम, एक नंबर लिखिए, उस नंबर पूछिए। नाइन डबल थ्री सिक्स एट वन थ्री एट फाइव नाइन, इस नंबर पे जो आपने हमसे बोला भाई, इस नंबर पे बोलिएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, इधर देखिए सब लोग। तो इस प्रकार से मैं किस बात पे था, हाँ, हम लोग यहां पे छोटे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, तीन से यहां और तीन से यहां। दो पहले से था, जस्ट ए मिनट, ओके जस्ट ए मिनट, हाँ, तो तीन पहले से था, तीन दूनी छह हो गया, या छह से चार से मल्टीप्लाई किया, चार यहां आ गया, चार यहां आ गया। मैं फिर से अपने बच्चों से कहूं, जिन बच्चों ने यहां पे छह यहां पे आठ किया उनका आंसर भी सही है, और जिन्होंने यहां पे तीन यहां से चार किया उनका भी सही है। ओके, ओ अदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अदर को बैलेंस करो, तीन दूनी छह नाइट्रोजन, तीन दूनी छह पहले से बैलेंस है, एच को करना नहीं, चार सीएल पहले से बैलेंस है, ओ को करना नहीं, हटाओ, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। चार्ज को बैलेंस करेंगे, देखिए बेटा यहां पे कोई चार्ज नहीं, ये हो गया माइनस फोर, लेफ्ट साइड पे माइनस फोर, यहां पर देखो यहां पर भी माइनस फोर, राइट साइड पर भी माइनस फोर, तो चार्ज में भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर, चार तिहाई 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, यहां पे क्या कर दे, 6 दूनी 12। अगर आपने सारे स्टेप सही करे हैं तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस आना चाहिए, चार तिहाई 12, तीन दूनी 6 और 6 12, आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। एम राइट बेटा, तो इस प्रकार से देखिए आपने एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, शायद वो भी एनसीईआरटी का ही है, एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, शायद वो भी एनसीईआरटी का ही है,
कर लीजिए इसको, देख लीजिए। हेलो बेटा, अभी क्लास में, अभी क्लास में बाद में बात करना। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन हम और देते हैं, वीडियो को पॉज करके आप करेंगे और फिर जब मैं बताऊंगा तो आप मैच करेंगे। हटा रहे हैं इसको, देखिए, जिंक प्लस एनओ थ्री माइनस बराबर जिंक प्लस टू एनएच फोर प्लस प्लस ओएच माइनस। चलिए वीडियो को पॉज करिए, शायद ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, श्योर नहीं हूं, ठीक है, करिए। आइए मैं करके दिखाता हूं ये सवाल। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, किनारे पर आपने एस रॉक लिख लिया। देखिए, सर्चिंग जीरो प्लस फाइव प्लस टू माइनस थ्री, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस प्रकार से पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम है रिक्वायर्ड फॉर्म। इसका बड़ा पहला काम होता है, जिनको आपने सर्च किया उनके एटमों को बैलेंस करो, एक जिंक एक जिंक, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, बैलेंस। दूसरा काम बेटा क्या होता है, टोटल चेंज निकालो और उसे आपस में बैलेंस भी करो। देखिए, जीरो से प्लस टू में जाना सिंपल चेंज हुआ दो का, आईसी भी वन ओसी भी वन, तो टोटल चेंज भी कितने का हुआ, दो का। प्लस फाइव से माइनस थ्री में जा रहा, अपोजिट चार्ज है, ऐड हो जाएगा, तो सिंपल चेंज हुआ आठ का, आईसी भी वन ओसी भी वन, तो टोटल चेंज हुआ आठ का। अब सब लोग जरा देखना, इन्हें आपस में बैलेंस करने का एक तरीका तो यह है कि आठ को यहां मल्टीप्लाई कर दो, दो को यहां कर दो, लेकिन और अच्छा तरीका क्या है कि आप ऊपर वाले में सिर्फ चार का मल्टीप्लाई करें, तो भी तो बैलेंस हो गया। जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो दोनों तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है बेटा। अच्छा, ओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी को बैलेंस करो, चार्जिंग चार्जिंग पहले से बैलेंस है, एक एन एक एन पहले से बैलेंस है, ओ करना नहीं एच करना नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा, चार्ज को बैलेंस करो। देखिए, माइनस वन लेफ्ट साइड पर माइनस वन है, और राइट साइड पर देखो प्लस एट प्लस वन प्लस नाइन, लेफ्ट साइड पर माइनस वन राइट साइड पे प्लस नाइन है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आया, दोनों का डिफरेंस आया दस। जितने का डिफरेंस होता है, एसिडिक मीडियम है तो उतने ही एच प्लस जोड़ दो, और बेसिक मीडियम हो तो उतने ही ओएच माइनस जोड़ दो। ओके बेटा, अच्छा ये भी हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर, कुछ भी नहीं, इस तरफ 10 और 4 14 हाइड्रोजन है, तो मजबूरी में हमने इस तरफ 7 वाटर ऐड कर दिए, 7 दूनी 14। अगर तुमने सारा काम सही किया है तो अंत में ऑक्सीजन बराबर आनी चाहिए, 3 ऑक्सीजन और 7 10 ऑक्सीजन, और इस तरफ भी कितनी है, 10 ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो 4 जिंक प्लस एनओ थ्री माइनस प्लस 7 वाटर बराबर 4 जिंक प्लस 2 प्लस एनएच फोर प्लस प्लस 10 ओएच माइनस। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, लेकिन उस एग्जांपल को मैं करूंगा, मैं क्या आप ही लोग करना, पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा फिर आप लोग करिएगा, ठीक है। चल हटाते इसको, हटाते
एक एग्जांपल पहले देख लीजिए, जब मैं कहूं तब पॉज करके करिएगा, ठीक है? देखिए, आई टू प्लस ओएच माइनस बराबर आई माइनस प्लस आईओ थ्री माइनस प्लस वॉट। रिएक्शन को देखकर बहुत से बच्चे समझ चुके होंगे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। जीरो से माइनस वन भी जा रहा है और प्लस फाइव भी जा रहा, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा और इसका रिडक्शन भी हो रहा। देखिए, मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। राइट और रॉन्ग, बस सुनना। जब भी बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन का क्वेश्चन आए, आप परेशान मत होना, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, कोई गलती ना कर बैठे, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या करेंगे जिसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है, आप सिंप्लिसिटी के लिए उसको दो बार लिख लेंगे। बेटा बोलो कितने बार? दो बार। बस एक का दिखा दिया ऑक्सीडेशन और दूसरे का दिखा देंगे रिडक्शन। बस हम इतना कहना चाहते, जब भी डिसप्रोपोर्शनेशन का केस आए, आप उसको दो बार लिख लेना। दो बार क्यों लिख लेना? एक को दिखा दिया ऑक्सीडेशन के साथ और एक को दिखा दिया रिडक्शन के साथ। मतलब अब आप यह मान लेना कि इसकी सर्चिंग आपने इसके साथ करी है और इसकी सर्चिंग आपने इसके साथ करी है। बस हम ये कहना चाहते हैं, ओके? और जब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो लास्ट में इनको जोड़कर लिख देना, ठीक? अब वीडियो पॉज करिए और इसको बैलेंस करिए, ओके? अच्छा, चलिए मैं बताने जा रहा हूं। आपने वीडियो पॉज करके इसको कर लिया होगा। अब देखिए आपका सही हुआ या नहीं, आइए देखते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन का केस था, हमने आयोडीन को दो बार लिख लिया, एक को दिखा दिया ऑक्सीडेशन के साथ, एक को दिखा दिया रिडक्शन के साथ। हमारा पहला काम हो गया। रिक्वायर्ड फॉर्म में दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम, जिनको सर्च किया उनके एटमों को बैलेंस करो। देखना, इसको सर्च किया इसके साथ, दो आई इसको सर्च किया उसके साथ, दो आई बैलेंस हो गए। दूसरा काम, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालो और उसे आपस में बैलेंस भी करो। देखो बेटा, जीरो जा रहा माइनस वन, सिंपल चेंज हुआ एक का, इंटू आई सी दो, तो एक दूनी दो, इंटू ओ सी वन, तो टोटल चेंज आ गया दो का। जीरो जा रहा प्लस फाइव, सिंपल चेंज पांच का, इंटू आई सी इंटू ओ सी करोगे तो टोटल चेंज आएगा दस का। अब आपको इस चेंज को बराबर करना, तो एक तरीका यह है, दो का मल्टीप्लाई उसमें कर दो, दस का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। लेकिन यह करने पर बड़े कॉफिशियंट आएंगे, हमें छोटे कॉफिशियंट चाहिए होते हैं। हमने यहां पर पांच से मल्टीप्लाई किया, यह पांच यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ और यह पांच यहां जाकर भी मल्टीप्लाई हो गया। एम राइट बेटा? अच्छा भाई, ये भी हो गया। ओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी को बैलेंस करो। पांच दुनी दस, पांच दुनी दस पहले से बैलेंस, दो दो पहले से बैलेंस, ओ करना नहीं, एच करना नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा। चार्ज को बैलेंस करो, लेफ्ट साइड पे कोई चार्ज नहीं। मेरे बच्चे जानते हैं एच प्लस और ओएच माइनस के चार्जों को हम नहीं देखते, क्योंकि इन्हीं को ऐड करके हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। राइट साइड पर माइनस दस, माइनस टू, माइनस ट्वेल्व, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? ट्वेल्व। जितने का डिफरेंस हो उतने ही ओएच माइनस को ऐड कर दो, ओके? चार्ज बैलेंस हो। हाइड्रोजन को बैलेंस करो,
बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। आइए, कितने हाइड्रोजन है? 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6 दूनी 12। अगर तुमने सब कुछ सही किया है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या होगी, बैलेंस देख सकते हैं। 12 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 और 6, 12 ऑक्सीजन है, आपकी रिएक्शन क्या है? बैलेंस। ओके, जब आप ऐसे लिख ले, जब आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, तो लास्ट में आप क्या करिएगा, लास्ट में आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट में आप क्या करेंगे, इसको ऐड करके लिख देंगे, 5 + 6 I2 + 12 OH - 10 I - 2 I O 3 - 6 This is the balance reaction. अगर दिल पर हाथ रखकर हम देखें तो अभी भी हमें कुछ करने की जरूरत है। क्या? मैं पहले ही कह चुका था कि हम लोग छोटे से छोटे बैलेंसिंग कोएफिशिएंट लाने का प्रयास करते हैं। ऑल्दो हमने छोटे से छोटे लाने का प्रयास ही किया, हमने पास से मल्टीप्लाई किया, फिर भी देखिए बैलेंस करने के बाद अभी भी हम लोग रिएक्शन से दो कॉमन ले सकते हैं। देखो, 2 3 6 2 6 12 2 5 10 2 1 2 2 3 6। मतलब अगर ध्यान से देखें तो बैलेंस करने के बाद नेट रिएक्शन आप बोलेंगे 3 I2 + 6 OH - 5 I - + I O 3 - 3 W। दिस इज एक्चुअली लास्ट आंसर, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूं, फिर सुन लो। 2 को यहां, 10 को यहां करते रिएक्शन तब भी बैलेंस थी, वो भी सही था। यहां 5 को करके बैलेंस किया तब भी सही है, और 2 कॉमन लेके हटा दिया तब भी सही है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है छोटे से छोटे कोएफिशिएंट रखने का, तो लास्ट वाला सबसे ज्यादा सही है। ओके बेटा, उम्मीद करेंगे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, इस प्रकार से हमने काफी सारी रिएक्शनें आपको कराई। चलिए एक और दे देते हैं, SW, घर से करके लाइएगा। डिस्प्रोपोर्शनल का समझ में आ गया, उस चीज को कितने बार लिख लोगे? 2 बार लिख लोगे, ठीक है? अच्छा भाई, चल एक SW दे देते हैं। रिएक्शन ओके, कि KNO4 + अमोनिया = MnO2 + KNO3 + KOH + वाटर, आप इसको बैलेंस करके लाएंगे, ये आपका SW है। ओके, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर बेटा क्या होता है, खत्म होता है। अच्छा सुन बेटा, एक बात भी सुन लीजिएगा, आज आपको जो मैंने SW दिया है उस W को तो आपको करना है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे दिन होगा बुधवार, तो बुधवार को इस वीडियो को देखने के बाद सुन लो बेटा ध्यान से। सबसे पहले आप लोग जितनी भी मैंने 5-7 रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करवाई है, आप उनको दोबारा बैलेंस करोगे सबको,
बैलेंस करोगे दोबारा, ठीक है। इतना काम कर लिया, इसके बाद आप इसकी सीट उठाइएगा और रिडॉक्स रिएक्शन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। यही आपका एचडब्ल्यू है। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन लगाने को कैंसिल कर दिया था, आपको इतना ही काम आप लोग कर पाओगे क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। जो भी आपके डाउट फंसे, आप उन डाउट को क्या करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन ऐप पर आ चुका है, ऐप पर जाकर इनके डाउट को क्लियर कर लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे नया प्यारा चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल, ओके। अच्छा, जो बच्चे न्यूली ज्वाइन है, अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, वो सुन ले, ये काम आपको करना ही करना है और 14 नवंबर दीपावली तक आप अपने मोल को खत्म कर ले। दैट्स इट, ओके बेटा, ओके भैया, थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास कल, ओके okay?